हेलो दोस्तों गुड इवनिंग कैसे हो दोस्तों आप सब दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 17,200 थाउजेंड टू हंड्रेड पे है और जैसे कि हमने अपने टारगेट लगाए थे उसने अपने टारगेट को अचीव किया है और इस वक्त हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ आ, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है और हमारा टारगेट फाइनल टारगेट सेवेंटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है रोजाना की तरह करते हैं टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि हम अगर ऊपर कंटिन्यू करें तो कितना ऊपर तक जा सकते हैं और कहाँ से हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए और मार्केट के हालात क्या हैं और उसके अलावा कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं और उसके बाद अगर हुआ तो हम लाइव स्ट्रीम स्ट्रीम भी करेंगे तो मैं करता हूं स्टार्ट इसको ओके सेकंड हाँ जी <clears throat> अच्छा आपको याद होगा हमारा पहला टारगेट ये था और सेकंड टारगेट हमारा ये है और इस वक्त हमें रिजेक्शन मिली है एग्जैक्टली यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से थोड़ा सा और नीचे की तरफ आना चाहिए लेकिन आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि हमारे पास हायर टारगेट ही होंगे ठीक है इसके लिए सबसे पहले आज हम वीकली की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वीकली में हमारे पास क्या है और उसके बाद हम आएंगे शॉर्ट टर्म में पहले हम चलते हैं लॉन्ग टर्म की तरफ अच्छा लॉन्ग वीकली में अगर हम देखें तो हमारी जो कैंडल है वीक की इस वीक की स्टार्ट हुई है और ग्रीन में स्टार्ट हुई है और अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जाते हैं तो हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगी ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है और अगर लेट से हम एक्यूरेटली इसको मैच uh, करने की कोशिश करें तो ये हमारा बन जाता है तकरीबन अठारह हजार पाँच सौ के आसपास कि हम अगर Continuous भी ऊपर की तरफ करें तो एटीन थाउजंड फाइव तक हो सकता है, जो अभी तक, opinion, है. Uh, so अच्छा, uh, उसके अलावा मैं दूसरा चार्ट भी खोल के दिखा देता हूँ दूसरे चार्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये भी वीकली ही है और इसमें भी हमारे पास ये ट्राइंगल है जहां से हमें रिजेक्शन मिल रही है और ये, uh, ये हमारे पास पैनल चैनल यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ से डेफिनेटली निकलने की सूरत में हमें एग्जैक्टली exactly यहाँ से मिलेगी रेजिस्टेंस और यहाँ से रेजिस्टेंस भी जब हमें मिलेगी तो वो भी तकरीबन हमारा सिमिलर टारगेट ही होगा जो कि अभी हमने चेक किया था ठीक है आ, दूसरी तरफ आ जाते हैं ये है हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न और इसको अगर हम लेके जाएं ऊपर की तरफ डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी स्पेस है जो कि हमें 22,000 तक लेके जाती है जो कि इस वक्त अभी तक अनलाइकली है आ, 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 मैं आपको फिगर आउट करके बताने की कोशिश करूंगा कि कहाँ से हमें बुलिश होना है और कहाँ से हमें बेरिश ट्रेंड में एंट्री लेनी है ठीक है तो आ, सबसे पहले आ, मैं आपको फोर आवर में दोबारा वापस लेके फोर आवर में लेके चलता हूँ और आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा हमारा ये जो है पिच फोर्क अच्छा पिच फोर्क में अगर आप देखें हमें यहाँ से दो दफ़ा पहले रिजेक्शन मिली और हम ऊपर की तरफ गए हैं डेफिनेटली हमारे पास यहाँ तक जाने की जगह जो तकरीबन ऑलमोस्ट तेरह सौ ही बनेगी जब हम कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक जाएंगे मे बी आ जाएंगे या कल जाएंगे बट डेफिनेटली मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेड है कि हम इस जगह तक पहुंच जाएंगे फोर आवर में ही अगर मैं आपको एलियट uh, वेव भी दिखा दूँ तो एलियट वेव में भी हमारे पास जो वन टू थ्री बन फोर फाइव बनती है उसका भी टू जो है वो डेफिनेटली स्लाइट ऊपर है यहाँ से और अगर हम ए की तरफ जाएँ तो वो भी हमें स्लाइड ऊपर लेके उसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास ये ट्रायंगल थी जिसको हम एक्यूरेटली अगर मैयर करें वो भी तकरीबन इसी जोन में ही आती है तो आ, ये हो गया लास्टली आपको मैंने फोर आवर में ही दिखाया था कि आ, हमारे पास एडम एंड ईव पैटर्न बन रहा है और ये हमें यहाँ तक लेके जाएगा डेफिनेटली उसका भी टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है एंड वी कैन एक्सपेक्ट लिटल मोर हायर टारगेट फ्रॉम हेयर ठीक है तो आ, इसको कंटिन्यूस करते हुए हम थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट हाँ, हे ब्लॉक का और लिक्विडेशन और लिक्विडिटी और इसके अलावा हमारा वॉल्यूम और ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं इन सब चीजों को हम देख लेते हैं ठीक है स, इस उस तरफ जाने से पहले आपको ले सबसे पहले लेके आता हूँ आपको ओपन इंटरेस्ट की तरफ अच्छा ओपन इंटरेस्ट की तरफ अगर आप यहाँ से देखें तो आपको Uh, आज की हम ट्रेड देखते हैं कि जी आज हमारे साथ ओपन इंटरेस्ट में क्या हुआ अच्छा ओपन इंटरेस्ट में देखें यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग लगी है यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग लगी है और ऑलमोस्ट ये फाइव मिलियन की है बिटमैक्स में है लेट्स गो टू बास भी चेक करते हैं बाइनन्स में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग लगी है यहाँ पे शॉर्ट है यहाँ पे शॉर्ट है और, और ये आज का आपको दिखा रहा हूँ और तकरीबन इस रीजन में हमारे पास शॉर्ट लगी है जो सेवनटीन थाउजेंड सेवनटीन थाउजेंड आप कह ये बन जाता है तकरीबन तो मैं इसको के साथ खोलता हूँ ताकि मुझे इजीली नजर आ जाए ये ट्वेंटी ट्वन्ट, थ्री मिलियन की है और सेवनटीन एटीन सेवनटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एट्टी टू पे है ठीक है तो ऊपर यहाँ पे भी हमारे पास शॉर्ट लगी है एक फोर्टीन मिलियन की ठीक है आ, लेकिन मार्केट इस वक्त इस लाइन पे फिर रही है ठीक है मार्केट इस वक्त है इस लाइन पे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ज्यादातर लॉन्ग्स नजर आ रही हैं और स के मार्केट जो मार्केट मेकर है वो आपको बुलिश करें साइकोलॉजिकली लोग बुलिश हो रहे हैं जब हम थोड़ा सा और पर जाएंगे लोग हैवी लोंग में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे जिसके बाद मार्केट नीचे की तरफ रिटर्न ले लेगी अब हेप लॉक लिक्विडिटी की तरफ आ जाए आपको क्लियरली uh, यहाँ पे नजर आना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास दो टारगेट है एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है ठीक है मोस्ट uh, लाइकली हमारे पास टारगेट है यही सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड और यहाँ पे हमारे पास फोर्टीन मिलियन की फोर्टीन बिलियन यूएस डॉलर की लिक्विडिटी पड़ी हुई है लेकिन लेट्स हम बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं अठारह पांच सौ अठारह तक के टारगेट को कंप्लीट करने चले जाते हैं तो अठारह पे हमारे पास सिक्सटीन बिलियन है और अठारह हजार सौ पे हमारे पास नाइन बिलियन है ठीक है वेरी लाइकली यहां तक हम जा सकते हैं लेकिन स्टिल हमें यहाँ से रिएक्शन देखना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे गोल्डन पॉकेट लगी हुई है जो कि एक क्वाइट रेजिस्टेंस का काम देगी ना कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बुलिश हो गए जी बहुत ऊपर चले जाएंगे आ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर हम बहुत ज्यादा भी बुलिश हो जाते हैं लेट से मार्केट कंटिन्यूसली एक बुल रैली लेके आ जाती है आ, हम एटीन को क्रॉस कर जाते हैं ट्वेंटी पे आ जाते हैं ट्वेंटी को क्रॉस करते हैं ट्वेंटी को आ जाते हैं थर्टी पे जाते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि थर्टी वो जोन होगा ट्वेंटी नाइन थर्टी जहां से हम ऊपर किसी भी सूरत नहीं जाएंगे अनलेस unless... अनलेस हम नीचे से ये सारे लिक्विडिटी नहीं उठाते और मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे इस वक्त हमारे पास वन पास थर्टी बिलियन की लिक्विडिटी है तो मार्केट मेकर इस लिक्विडिटी को छोड़ के ऊपर जाके बुल रन बुलरन ऑल टाइम हाई वाला सीन कभी भी नहीं करेंगे तो मोस्ट लाइकली जो है डेफिनेटली आई विल आई विल एक्सपेक्ट कि हम हो सकता है कि थोड़ी सी अच्छी बुल रैली लेके आनी हो हम अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करें यहाँ से लिक्विडिटी है और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे

अच्छा मेनली यहाँ पे इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छी लिक्विडेशन है मैं एक आपको जूम इन करके दिखाता ये है 111 ,000 ,000 है 111 मिलियन की पे ठीक और इसके साथ ही हमारे पास दूसरी भी लिक्विडेशन है जहां जो है 92 मिलियन की ये भी सतारह पे तो डेफिनेटली डेफिनेटली मार्केट स्लाइड और ऊपर जाएगी विच आई एम एक्सपेक्टिंग के 500 तक तो हम लाजिम जाएंगे पांच से जो हमारा टारगेट है हम उसको अचीव करेंगे उसके बाद uh, देखा जाएगा कि ये लिक्विडिटी कहां तक बढ़ती है डेल्टा लॉन्ग की और उसके बाद डेफिनेटली मार्केट फिर नीचे की तरफ आ सकती है ना याद रखिए कि कल शाम छह बजे चेयरमैन पॉल जो है वो अपनी स्पीच कर रहा है और उसकी स्पीच मार्केट को ऊपर जाने से रोक सकती है और कल छ बजे हम फौरन नीचे की तरफ भी आ सकते हैं तो वट आई थिंक उसकी स्पीच से पहले पहले अगर हम टेक प्रॉफिट कर लें अपनी लॉन्ग का वो हमारे लिए बेस्ट स्नेरियो हो सकता है ठीक है तो उसके अलावा मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ओके अच्छा वॉल्यूम की तरफ आते हैं अच्छा आ, सबसे पहले आ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ वॉल्यूम इम्बेलेंस इसमें अगर आप देखेंगे तो आ, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ पे आपको सेल uh, वॉल्यूम काफ़ी ज्यादा नजर आएगा नीचे ठीक है मोर देन सेल वॉल्यूम ज्यादा आपको नजर आएगा बाइंग uh, वॉल्यूम से ठीक है और यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ तक हमारे पास आ गया वॉल्यूम 16900 तक काफ़ी ज्यादा सेल की ट्रेड लगी यहाँ पे आप देखें आपको बाइंग वॉल्यूम ह्यूज नज़र आया और उसके बाद

अच्छा यहाँ भी लोग ट्रैप हुए थे ये देखें और उसके बाद मार्केट चली गई थी ऊपर की तरफ तो सिमिलर सिनेरियो हुआ तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट में ट्रैप हैं और ऊपर की तरफ निकलेंगे शॉर्ट का टाइम अभी तक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग क्या है उसकी रीजन मैं आपको जब अभी शॉर्ट टर्म का करता हूँ तो दिखाता हूँ ऑर्डर बुक की तरफ देख लेते हैं हमारे पास ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हुए हैं इस वक्त देखें सतारह हजार तक हमारे पास ह्यूज ऑर्डर है उसके बाद सतारह पे भी हमारे पास तकरीबन पंद्रह सोलह सौ के ऑर्डर लगे हुए हैं सतारह तक हमारे पास कंटिन्यूस ऑर्डर लगे हुए विच मीन के किसी टाइम भी मार्केट पुल करेगी सत्रह हजार छह सौ तक तो बहुत ईजीली हम आ सकते हैं नाउ नीचे की तरफ अगर आप देखें आपको बहुत ज्यादा हैवी ऑर्डर नहीं नजर आएंगे इस जगह पे सोलह हजार नौ सौ से नीचे तो यहाँ पे आपको लेस वॉल्यूम नजर आ रहा है ऊपर देखें आपको ज्यादा ऑर्डर नजर आ रहा है अगर मैं इसी को थोड़ा और ऊपर चेक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास, पास 500 सौ का ऑर्डर है 18,500 थार पे कोई खास नहीं है और इस वक्त तकरीबन सारा खाली है तो फिलहाल फिलहाल ये तो कंफर्मेशन होती है कि हम यहाँ तक जाएंगे तकरीबन और यहाँ से हमें शॉर्ट में इंट्री मिल सकती है अगर हम इस डाटा की तरफ से देखते हैं हम चलते हैं अपने टीए की तरफ वापस और चेक करते हैं कि टीए हमें इस वक्त क्या नो no, सिंपली आपको पता है हम इस वक्त यहाँ पे हैं और ये वो जगह है जो हमारा आ, बेस्ट टारगेट है सम हाउ हम इसमें ऐड करेंगे अपना ये पॉइंट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और ये है हमारा लिक्विडिटी लेवल ठीक है ना लिक्विडिटी लेवल है यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन फ़ौरन नहीं मिलती और नीचे की तरफ नहीं आते हैं सेकेंड uh, पॉसिबिलिटी हम यहाँ से जब निकले तो इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं जैसे हम इसके ऊपर आके बैठेंगे डेफिनेटली हम जाएंगे ऊपर 18,500 पे यहाँ पे जो जितनी ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाई है ये वाली uh, 16 बिलियन और uh, uh, 9 बिलियन तो इसको अगर इस जोन को वो खाने के लिए चला जाता है तो डेफ़िनेटली उसके पास 50 बिलियन मिनिमम उसको खाने का मौका मिलेगा अगर वो सतरह हज़ार छः सौ को क्रॉस करता है गोल्डन पॉकेट के ऊपर आ जाता है ठीक है तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती है और ऊपर आके बैठती है या यहीं पर स्ट्रगल करने लग जाती है बिल्कुल वैसे ही आपने एक चीज़ को देखें कि जब हम यहाँ तक आए ए, तो हम काफी देर तक यहाँ पे साइडवेज पे चलते रहे फिर अब हम यहाँ पे आए हमें रिजेक्शन मिली हम यहाँ पे हमने चार पांच कैंडलें ऐसे बनाई ठीक है ना यानी हम इसी जगह बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे आए और साइडवेज पे चलते रहे विच मीन्स के आपको रेडी होना है कि मार्केट इस वक्त यहाँ तक आ रही है तो आपको शॉर्ट में एंट्री नहीं लेनी है न मार्केट यहाँ से पुल बैक करती है देन डेफिनेटली वो एक शॉर्ट का पॉइंट होगा और उसके लिए मैंने आपको बताया होगा कि कोइन ग्लास में आप लोगों ने कैसे क्या चीज चेक करनी है और कैसे इंट्री लेनी है कोइन ग्लास को दोबारा खोल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसके साथ में आपको वन आवर चार्ट मेरा ख्याल टू आवर चार्ट में हमारे पास लगा हुआ होगा हाँ जी टू आवर चार्ट में अगर आप देखें तो हम यहाँ से अपने पैल चैनल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं डेफिनेटली इस, इस, इसको जब हम एक दफ़ा पुश करके निकल जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे यहाँ से और फिर ऊपर आ जाएंगे हम सतारह हज़ार छः सौ पे वेरी इजीली और यहाँ पे जो एक्सटेंशन लगी है उसके हिसाब से हमारा टारगेट सतारह हज़ार नौ सौ और अठारह हज़ार सात सौ बनता है ठीक है जैसे ही हम यहाँ से निकलें तो हमारे पास 17900 तक जाने की जगह हो सकती है जो आपको पता है 17600 पे हमारी गोल्डन पाकर है डेफिनेटली अगर हम उस पे ऊपर आ जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहां तक आ जाएगा तो आपने ए, सबसे पर, ए, आपने सिर्फ ये देखना है कि हम 17600 पे रिएक्शन क्या दे रहे हैं ठीक है डेली में मैं आपको लेके चला जाता हूं डेली में आप देखें कि हमारे पास ये पैलेस एनालाइज की रिस्पेक्ट हम काफी देर से कर रहे हैं ठीक है ना आप आप ये देखें यहां से हम इसकी काफी देर से रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो अगर हम इस पैनल चैनल की ही रिस्पेक्ट करते हैं मार्केट ऊपर की तरफ अगर जाती भी है तो अठारह हजार 400, 500 तक जाएगी। थोड़ी सा विक बाहर और तो डेफिनेटली तकरीबन इस जोन तक आ जाएगा और यहाँ पे इसके पास गोल्डन लेवल है और यहाँ से इसको दोबारा बैक ऊपर की तरफ मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो भी तकरीबन इतना ही ऊपर जाएगा जितना ये नीचे की तरफ आएगा बिल्कुल वैसे ही नैसडेक आप को देख लें हमारे पास ये टारगेट है यहाँ से ऊपर जाएगा अगर मैं यहाँ से आपको टू हंड्रेड ई एम दिखा दें तो मैक्सिमम टू हंड्रेड ई एम ये टारगेट होगा एसपीएक्स की तरफ देख लें जिसको हम फॉलो करते हैं एस पी एक्स को भी हम अच्छा हाँ इसका ये देखें ये 200 है और साथ में ये ट्रेंड लाइन आप इस चीज को फॉलो करें कि ये जब ज्यादा से ज्यादा ऊपर भी जा जा रहा है तो वो इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है ठीक है ना यहाँ से अभी रिजेक्शन मिली, मिली और हम दोबारा टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और इसके बाद अगर हमें रिजेक्शन मिलेगी दिस इज द नेक्स्ट टारगेट तो इसका क्या मतलब होगा अगर यही हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो भी दोबारा नीचे आएगा और हम 13000 12000 में जाएंगे और लोग लॉन्ग लॉन्ग्स में एंट्री देके तब तक ट्रैप हो चुके होंगे जिसमें आपने ट्रैप नहीं होना है ठीक है आ, की तरफ मैं आपको वापस लेके चलता हूं। right. अच्छा जी ये हमारा जी डेली है इसमें अगर आप डेली में देखें तो हम हमारे पास तकरीबन अठारह हजार पे है यहां पे हंड्रेड ई एम ए फोर आवर में मैं चेक करना चाहूंगा कि हमारे पास ई एम ए 800 हंड्रेड ई एम कहाँ पर है अच्छा जी 800 हंड्रेड है हमारे पास यहाँ पे और इस जगह पे हमारे पास है फेयर वैल्यू गैप भी तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम इतनी दूर तक अभी जाएंगे uh, यहाँ पे भी मैं चेक कर लूँ एक बार अच्छा यहाँ पे हमें 800 हंड्रेड मिल रहा है सतारह हज़ार चार सौ पे ठीक है तो एग्जैक्टली exactly. तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से भी आ, मिलेगी आ, रेजिस्टेंस मिलेगी मुझे इसको थर्टी मिनट में भी एक बार देखना है और दोबारा मैं आपको लेके आता हूँ फोर आवर में अच्छा फोर आवर में दोबारा वापस आते हैं अब अब आप देखें यहाँ पे हमारा एक पेवट का पेवट की रेजिस्टेंस है दूसरी हमारी यहाँ पे है ठीक है तो आई थिंक इसको क्रॉस करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे हमारे पास गोल्डन पॉकेट है जून का लो है मेजर डेली है और फिर हमारे पास पेवट है तो ये पॉइंट मार्केट uh, को क्रॉस करना इजी नहीं होगा सतारह हजार सौ का और अगर हम इसको डेफिनेटली पावर से क्रॉस uh, करके रीटेस्ट कर लेते हैं तो वी आर गोइंग टू हैव अ रियली हाई टारगेट जो कि यहाँ तक हमें लेके आ जाएगा अठारह हजार पे इसका मतलब है कि मार्केट मेकर नेक्स्ट जो है लिक्विडिटी उठाना चाह रहे हैं ठीक है अच्छा सीपीआर को भी मैं चेक कर सीपीआर देखें जी पे पे थे आ, हमें रिजेक्शन मिली चले आपको मैंने बताया था कि आर तक तो हम हम जरूर आ जाएंगे तो अब अब अगर हम इसको क्रॉस तो डेफिनेटली सतारा हजार आठ सौ हमें ये शो कर रहा है हम यहाँ तक भी आ सकते हैं लेकिन अभी हमने इसको क्रॉस नहीं किया जब तक हम इसको क्रॉस करके मजबूती से ऊपर नहीं बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि यहीं से हम पुल बैक भी कर सकते हैं वो कैसे कि हम यहाँ से जाएं सतारा हजार छः सौ या सतारा हजार पाँच सौ की लिक्विडिटीज को उठाएं और उसके बाद उसी कैंडल को नीचे की तरफ ला के क्लोज करें और उसके बाद नीचे का सफर शुरू कर देंगे तो ये चीज़ आपने बहुत ज्यादा नज़र में रखनी है कि हम ऊपर जाएं और विक मार के दोबारा नीचे की तरफ आ जाते हैं इसका मतलब है कि इट्स टाइम टू गो डाउन उसके अलावा हम अब मजीद ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं ठीक है तो हमारे इस वक्त जो लेवल है <coughs> अच्छा हमारा जो इस वक्त लेवल है फाइनली अभी तक सतारह हजार सौ है जिसको हमने देखना है कि हम कैसे रिस्पेक्ट करते हैं क्या हम ऊपर आके ऐसे बैठते हैं और इस लिक्विडिटी को उठाने जाते हैं जो अठारह हजार चार सौ से ऊपर है ठीक है ना तो अठारह हजार चार सौ से ऊपर से हम नीचे की तरफ निकलें तो हमारे पास इस वक्त या तो यहाँ से डाउन है या यहाँ से डाउन है तो आपने अपनी लॉन्ग से या तो यहाँ से निकलना है अगर आपको लगता है कि हम यहाँ स्पीड से ऊपर की तरफ निकल आए तो डेफिनेटली आप अपनी लोंग को अभी भी रख सकते हैं और इसको यहाँ तक लेके आ सकते हैं लेकिन सतारह ही मेरी नजर में अभी तक परफेक्ट पॉइंट है तो लेट्स सी क्या होता है उसके अलावा अलावाम पे थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ थीरियम पे आ जाते हैं जी अथीरियम पे आ गए अच्छा अथिरियम ने हमारा गोल्डन लेवल क्रॉस कर लिया है यहाँ पे इसके पास लिक्विडिटी है प्रीवियस लो है डेफिनेटली इसको क्रॉस करेंगे यहाँ तक आएंगे आपको याद होगा दो टार कर दिए थे थर्टीन टेन और थर्टीन नब्बे नाइनटी फोर्टीन हंड्रेड कह लें ठीक है तो वट आई एम एक्सपेक्टिंग हम इसके ऊपर आ चुके हैं आई आई थिंक हम यहाँ तक आएंगे और मैंने आपको याद होगा दूसरा बताया था कि इस ट्रेंड लाइन को हम टेस्ट करेंगे और इसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे तो वट आई थिंक कल छ बजे तक या छह बजे से पहले पहले आज रात को या कल तक हम इस जोन में पहुंच जाएंगे बिल्कुल वैसे ही बी में भी हम ऊपर वाले जोन में आ जाएंगे और कल चेयरमैन पॉल की जब स्पीच होगी तो वो कोई ऐसी कार्रवाई डालेगा जिसकी वजह से हमें दोबारा नीचे जाना पड़ेगा पड़ेगा यहाँ पे आपको याद होगा इस पर मैंने दो वीडियो भी बनाई हुई है दो तीन वीडियो बनाई है कोइन क्लास पे आपको डेफिनेटली ये देखना है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है और हैवी लिक्विडेशन करती है तो ओपन इंटरेस्ट को वो कैसे क्लोज करती है और उसके बाद वो क्या रिएक्शन देती है ठीक है आपको तीन चीज़ों पर नोटिस करना ओपन इंटरेस्ट लिक्विडेशन और फंडिंग रेट अच्छा अगर ये आपको तीनों ही प्रॉपरली मिल जाती हैं देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट के अब हम जाएंगे अब यहाँ से देखें हमने एक अच्छा पुल ऊपर की तरफ लिया लेकिन इस जगह पे अगर आप देखें जहाँ तक हमने पुल लिया है ऊपर की तरफ गए हैं तो हमें ये ओपन इंटरेस्ट ग्रीन मिला ना ही लिक्विडेशन कोई खास मिली है ठीक है यहाँ पे सिर्फ हमें लिक्विडेशन मिली है इस जगह पे ठीक है इस जगह पे हमें लिक्विडेशन सॉरी यहाँ पे इस जगह पे हमें लिक्विडेशन मिली लेकिन मार्केट ने रिटर्न नहीं लिया उसमें ठीक है ना मार्केट को रिटर्न भी लेना था तो मार्केट ने लिक्विडेशन की ओपन इंटरेस्ट क्लोज हुआ लेकिन मार्केट कंटिन्यू करती थी और इस जगह पे आ चुकी है ठीक है तो आप इस ए, अपने इस ए, चार्ट पे भी नजर रखिए जैसे ही आप इंट्री लेने का सोचते हैं आई थिंक कि मार्केट मूव कर रही है ऊपर की तरफ जा रही है थीरियम uh, की तरफ मैं वापस आता हूँ आई एम एक्सपेक्टिंग थीरियम यहाँ तक आना डेली uh, में भी आपको थीरियम दिखा देता हूँ डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग हम इसको टच करेंगे और उसके बाद हम आई एम नॉट सेइंग कि हम लाजिम नीचे की तरफ आएंगे अगर हम इसको ब्रेक करके ऊपर आ जाते हैं तो हमारे पास हाई टारगेट होंगे जो कि हमें मोर हाई लेके जा सकते हैं सेवनटीन टवेल्व तक भी लेके जा सकते हैं सतारह हज़ार बीस तक भी लेके जा सकते हैं ओनली अगर हम इसको ब्रेक करें और इसको ब्रेक करना इजी नहीं होगा तो हमें इस वक्त इसी को रियलिस्टिकली मानना होगा कि हम यहाँ तक आ रहे हैं ओके uh, फाइन okay, तो टू हंड्रेड ई एम हमारे पास है पंद्रह सौ पे तो आई थिंक हमें यहाँ से भी रेजिस्टेंस एक हैवी रेजिस्टेंस मिलेगी जब हम ऊपर की तरफ आएंगे तो फिलहाल आप शॉर्ट के लिए अगर रेडी होना चाहते हैं तो यही वो लेवल है जो हमने दिया हुआ है है से 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 के से के आसपास हमें अगर स्विंग पैटर्न मिलता तो हम नीचे की तरफ दोबारा रुख कर लेंगे और उसको चेक करने का तरीका कोइन ग्लास में बेहतरीन है जो कि हमने सेटिंग आपको बताई उस पर भी बनाई है मैं लगा भी दूंगा हमारे क्रिप्टो को उसमें तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करना नहीं भूलिएगा मैं ज़्यादा आपको कहना नहीं चाहता हूँ मैं आपके लिए ज्यादा वीडियो करना चाहता हूँ मैं आपके लिए आ, लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ तो अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं इसको अपना चैनल समझते हैं और इसमें से सीखना चाहते हैं तो हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे और उसमें आर्ट कोइंस पे बात भी करेंगे ठीक है तो दो घंटे के बाद लाइव स्ट्रीम करते हैं एक या दो घंटे के बाद इसको देखें लाइक करें कमेंट छोड़ें एंड आई विल बी बैक ठीक है थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय Okay. <laughs>